Assalamualaikum, आज हम बनाने वाले हैं चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी जिसे हम केवल 5 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए हमारे राइस कितने खुले खुले से बने हैं, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए आप उसे नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हमें चाहिए 2 से 3 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 खाने के चम्मच बारीक कटी लहसुन, आधे चाय के चम्मच बारीक कटी अदरक, आधे चाय के चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 कप कटी हुई गाजर जो कि क्यूब्स में कट किए हैं, 1 कप चाहिए चिकन, 1/2 कप शिमला मिर्च जो कि क्यूब्स में है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 खाने के चम्मच काली मिर्चों की पाउडर, 1/2 कप बारीक कटी हुई प्याज, 1/2 कप कटा हुआ धनिया, उसके साथ ही 1/2 नींबू लेंगे। इसके साथ ही हमें चाहिए 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो, 1 कप उबले हुए हरे मटर, 1 खाने के चम्मच सोया सॉस की, 1 चाय के चम्मच सिरका, 2 से 4 बूंदे केवड़ा वाटर की, 1 से 2 खाने के चम्मच ग्रीन चिली सॉस, साथ ही हमें चाहिए हस्ब जायका नमक, 250 ग्राम ये लंबे दाने वाले बासमती चावल हैं जिसे हमने सोख होने के लिए रख दिया। आए फटाफट से हम मैरिनेशन रेडी करते हैं। चिकन डालेंगे, साथ ही लाल मिर्चों की पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्चों की पाउडर को 1/2 कर लेंगे, इसे हम सब्जियों में डालेंगे, 1 से 2 खाने के चम्मच दही, सॉरी मैं इंग्रेडिएंट्स में दिखाना भूल गई थी, प्लीज आप इसे भी ऐड कर लें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बस ढक के इतने रखेंगे जब तक कि हमारे राइस बॉईल हो जाते हैं। आइए अब हम फटाफट से राइस को बॉईल करते हैं। एक पैन में मैंने डाले हैं 4 ग्लास पानी और यहाँ पे हमारी फ्लेम एकदम हाई है। यहाँ पे हम अब चावल को डालेंगे और चावल के साथ साथ 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे, 2 चाय का चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, इसके साथ ही 5 से 6 बूंदे नींबू डालेंगे। इससे ये होंगे कि हमारे जो राइस है वो बिल्कुल खुले खुले से बनेंगे और बहुत ही अच्छे फ्रेश बनेंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे और 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। राइस को हमें 90% कुक करने हैं, बाकी के 10% हम वेजिटेबल्स के साथ कुक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे राइस कुक हो चुके हैं, अब फटाफट से हम इसे स्ट्रेन करते हैं। अब इसके ऊपर हम ठंडा ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसकी जो कुकिंग है वो लॉक हो जाए। अब स्ट्रेन करने के बाद इसे हम एक बड़े बर्तन में निकालेंगे और इसे फैलाकर पंखे के नीचे या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने सेम उसी बर्तन में राइस को निकाले जिसमें हमने राइस को कुक किए थे और बस पंखे के नीचे इसे रख दिए। अब आए हम फटाफट से सब्जियों को बनाते हैं। एक पैन में हम 4 खाने के चम्मच रिफाइंड का ऑयल डालेंगे और फटाफट से इसमें हम अदरक बारीक कटी हुई लहसुन, 1 मिनट इसे हम थोड़ा सौते करेंगे, इसे हमें ब्राउन नहीं करने हैं। साथ ही हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और फटाफट से इसमें सब्जियां शामिल करेंगे। सबसे पहले प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च, गाजर, मटर। अब हम इसे 1 मिनट थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे सौते करेंगे और मसाले शामिल करेंगे। हस्ब जायका नमक मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून ली, काली मिर्चों की पाउडर जो हमने बचा कर रखे थे, अजीनोमोटो, और सॉरी मैं यहाँ फिर से भूल गई आप लोगों को बताना, 1/2 टीस्पून चिकन क्यूब्स ले लें या फिर चिकन पाउडर ले लें। इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसके साथ ही शामिल करेंगे 1 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1/2 टीस्पून विनेगर, 1 से 2 खाने के चम्मच ग्रीन चिली सॉस, और बस इसे हम हाई फ्लेम करके जल्दी से सौते करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और ये रेडी हो गए हमारे सब्जियां। अब हम बनाते हैं चिकन। क्योंकि हमें अलग अलग स्वाद चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे चिकन को अलग बनाया है ताकि सब्जियों की स्वाद अलग रहे और चिकन की स्वाद अलग। 2 खाने के चम्मच रिफाइंड का ऑयल डालेंगे और फिर चिकन इसमें शामिल करेंगे जो कि हमने मैरिनेशन के लिए रखे थे।
से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से सौते करने के बाद इसमें हम हाफ कप पानी डालेंगे और ढक्कन डाल के हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे। ये देखिए चिकन के जो पानी थे वो भी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं और चिकन भी बिल्कुल अच्छे से कुक्ड हो चुके हैं। अब इसे हम सब्जियों में शामिल करेंगे और इसके साथ ही राइस शामिल करेंगे। यहाँ पे हम 2 से 4 बूंदे केवड़ा वाटर के डालेंगे। इसे अच्छे से हम चलाते हुए मिक्स करेंगे। ऊपर से हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और इसे ढक के 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम देंगे ताकि जो चावलों का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। ये देखें गर्मा गर्म से हमारे फ्राइड राइस बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। एक टिप है इसके लिए कि अगर आप चिकन की मैरिनेशन एक दिन पहले ही करके फ्रिज में रख दें और साथ ही चावलों को बॉईल कर लें, मटर को बॉईल कर लें, तो इसे बनाने में केवल आपको 5 मिनट लगेंगे और गर्मा गर्म से फ्राइड राइस बन के तैयार हो जाएंगे। आप इसे सर्व करें मंचूरियन के साथ या फिर किसी चाइनीज़ कुजीन के साथ। मैंने तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बनाया, लेकिन अगर मुझे किसी ओकेजन पे या मेहमानों के लिए बनाना हो तो मैं मंचूरियन ज़रूर बनाऊंगी। मैंने घर पे बनाने थे इसलिए मैंने एक करी बनाया। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छी अच्छी रेसिपी ट्राई करते रहें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।